गैस आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इम्पोर्टेंट लाइफ एलटेक यूट्यूब चैनल में। इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका के आज के मैच के बारे में। और यहाँ पे आप भी अगर पैसे कमाना चाहते हैं फैंटेसी एप्लीकेशन से, बहुत सारे अपने टीम बना चुके हैं फिर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो वीडियोज़ को अगर आप कम्प्लीटली देखते हैं तो प्रिडिक्शन अगर आप देख करके अच्छी खासी टीम को बना पाएंगे। ठीक है, टीम तो रोज़ बनाते हैं बट ये वीडियोज़ अगर कम्प्लीटली देख लें तो काफ़ी बेनिफिट वाला रहेगा। और फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप जिस वीडियोज़ को देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे फ्री टीम फ्री सारे अपडेट आपको मिलते रहते हैं। ठीक है गाइस, तो आप ज्वाइन करें और वहाँ पे लाखों का रोज का कमाते, तो भाई यहाँ पे लाखों कमाते तो आप भी आएँ और आप भी ज्वाइन करें, और जैसे सभी लोग कमाते तो आप भी कमाना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इसका भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे, इस मैच को भी कवर करेंगे। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच रहेगा, तो फिलहाल इसको हम कवर करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें या तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। साउथ अफ्रीका वर्सेज श्रीलंका, सबसे पहले यहाँ पे हम जो कि बात करें बैटिंग ऑर्डर की, फिलहाल ओपनर की, तो जो कि क्विंटन डिकॉक फिलहाल खेल नहीं रहे। साउथ अफ्रीका से अगर बात करें बैटिंग की, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे रविंडरसन या तो भाउमा, ये दोनों के दोनों आ सकते हैं, नहीं तो फिलहाल यहाँ पे डेविड मिलर ध्यान रखें, ये जो कि आ सकते हैं। मार्करम तो फिलहाल पता ही है, ओपनर नहीं उतारा जाएगा मार्करम को, दूसरे नंबर पर वन डाउन उतारा जाएगा, क्योंकि मार्करम काफ़ी फॉर्म में चल रहे हैं और मार्करम को वन डाउन ही उतारा जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। वहीं श्रीलंका की अगर ओपनिंग की बात करें तो श्रीलंका में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि यहाँ पे कुशल परेरा फिलहाल, ठीक है कुशल परेरा, और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, आपको नीचे आएंगे यहाँ पे राजपक्ष, ठीक है राजपक्ष, या तो यहाँ पे आपको निशंका, इनमें से किसी एक के साथ जो कि कुशल परेरा को आना है, तो या श्रीलंका के साथ आ सकते हैं ओपनिंग। तो इसी प्रकार से इनकी बैटिंग चलती रहेगी। अगर ऑलराउंडर की बात करते हुए महेंद्र हसरंगा फिलहाल अपनी टीम से जो कि यहाँ पे ऑलराउंडर हैं, बैटिंग ऑर्डर इनका तीसरे चौथे नंबर पर रहता है फिलहाल, और जो कि बैटिंग भी करेंगे। डिसंका यहाँ पर रिसेंटली विकेट निकाली थी बट कुछ खास प्लेयर है नहीं। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर की बात करें डीप ब्रेटर की, तो फिलहाल काफ़ी बढ़िया यार, यानी कि क्विंटन डिकॉक खेल नहीं रहा तो इनको बैटिंग भी मिलेगी और बॉलिंग भी मिलेगी, तो कन्फर्म है। ठीक है, तो यानी कि एक हिसाब से पिक करने वाला प्लेयर रहेगा। बॉलर्स की अगर बात करें तो कगिसो रबाड़ा फिलहाल नौजे मिल जाते हैं, तबरेज़ शम्सी मिल जाते हैं, और यहाँ पर टिकाशाना मिल जाते हैं, यानी काफ़ी बढ़िया बढ़िया बॉलर महराज मिल जाते हैं, अनकुर रनाटे मिल जाते हैं, एलकुमारा मिल जाते हैं, चमीरा मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया। तो फिलहाल अगर पिक करने की बात करें, और यहाँ पे आप बात करते हैं कि हमारे टीम में जो कि बॉलर या बैट्समैन ऑलराउंडर कौन कौन से पिक करना है जो कि बेस्ट हो सकते हैं फिलहाल, और इनका रिसेंटली परफॉर्म तो आप सभी लोगों ने देखा होगा क्योंकि आप सभी लोग क्योंकि मैच देख ही रहे होंगे। यहाँ पे हम काम की बात करें, ठीक है जो कि प्लेयर अगर हम टीम बनाते हैं तो प्लेयर बेस्ट कौन से हो सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन हम किसको बना सकते हैं जो कि इस मैच में। देखो अगर यहाँ पे आते हैं आप विकेट कीपर में, तो आपको तीन या चार तो मिलते हैं, ठीक है क्विंटन डिकॉक तो नहीं खेल सकते 90%, ठीक है नहीं खेलने वाले बिल्कुल जहाँ तक मुझे लग रहा है। कुशल परेरा और चंडीमल भी प्लेइंग में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्लासेन, ठीक है तो मेरे हिसाब से कुशल परेरा तो बढ़िया रहेंगे क्योंकि यहाँ ओपनर होते थे अपनी टीम से, भले ही रन ना मारें 10-20 तो रन मारने हैं, और उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट वगैरह जो कि कैच वगैरह मिल जाती हैं तो 30-35 पॉइंट तो कन्फर्म हो जाते हैं। ठीक है, और वहीं क्लासेन की अगर बात करें तो देखेंगे पिक करना है कि नहीं करना है, पर इस टीम में तो हम नहीं रखने वाले। और वहीं अगर बैट्समैन की देखें तो रविंडरसन तो फिलहाल हमने कैप्टन भी बनाया था इसको, और इसने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म भी किया था, यानी कि 43 रन की पारी खेली थी रविंडरसन ने, तो फिलहाल एक हिसाब से साउथ अफ्रीका से काफ़ी बढ़िया बैट्समैन और समझदार बैट्समैन है, तो पिक करना है। और यहाँ पे अगर बात करें कंपटीशन की इन दोनों की, ठीक है कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन तो फिलहाल एक हिसाब से दोनों ही सही रहेंगे टीम के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्विंटन डिकॉक नहीं खेल रहे हैं तो फिलहाल इनको पिक करना ही पड़ेगा, और विकेट कीपर भी हमने नहीं पिक किया जो कि, तो यहाँ पे इन दोनों को पिक जरूर करना पड़ेगा। और फिलहाल यहाँ पे श्रीलंका जो कि आपको मिल जाते हैं हम नहीं पिक करेंगे, हैंड्रिक्स, ठीक है हैंड्रिक मिल जाते हैं, डेविड मिलर मिल जाते हैं, तो यहाँ पे क्विंटन डिकॉक के जगह पे हैंड्रिक खेल रहे हैं, ठीक है क्विंटन डिकॉक के जगह पर, और डेविड मिलर देखेंगे। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन की अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो हैंड्रिक बेस्ट रहेंगे, और फिलहाल बैटिंग इनका रिसेंटली परफॉर्म भी काफ़ी बढ़िया और रन भी काफ़ी बढ़िया जो कि हैंड्रिक ने मारे थे रिसेंटली, जो कि आपने देखा भी होगा 39 रन मारे थे, और फिलहाल ओपनर भी आ सकते हैं अपनी टीम से। तो और यहाँ पे बैट्समैन की बात करें तो फिलहाल आपको ले लेना राजपक्ष को, ठीक है भाउमा को नहीं रखने वाले, निशंका को रख सकते हैं आप, ठीक है निशंका भी काफ़ी बढ़िया है, निशंका को आप पिक कर लीजिए अपनी श्रीलंका टीम से। अगर निशंका को नहीं रखना तो आप यहाँ पे जो कि रख लीजिए श्रीलंका को, ठीक है श्रीलंका को भी एक हिसाब से पिक करना बेस्ट ही रहेगा, यानी कि दोनों को कॉम्बिनेशन की अगर बात करें निशंका और श्रीलंका की, तो फिलहाल यहाँ पे थोड़े ही टाइम में ओपनिंग यानी करते हैं बैटिंग ऑर्डर इनका एक आगे पीछे ही है, तो यहाँ पे आप पिक कर लीजिए श्रीलंका को, ठीक है श्रीलंका पिक कर लीजिए क्योंकि निशंका फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि इस टीम में रखने लायक हैं। फिलहाल यहाँ पे कुछ हाइएस्ट बैट्समैन वाली हम टीम बना रहे हैं। ऑलराउंडर की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑलराउंडर जो कि आपको फिलहाल एक ही पिक करना पड़ेगा, एक पिक करने की बात क्यों आ रही, तो फिलहाल यहाँ पे आप दो भी पिक कर सकते हैं, जो कि दो पिक करना बेस्ट रहेगा जहाँ तक लग रहा है,
एक तो आप समझ रहे हैं कि एक अगर वही हिंदू हसरंगा को पिक करेंगे तो प्रेटियस को हम छोड़ देंगे, बट छोड़ने वाले नहीं, दोनों को आप पिक कर लीजिए, दोनों को बॉलिंग भी कराएंगे और बैटिंग का जो कि प्रेटियस को मिल नहीं सकती, हसरंगा को कन्फर्म मिलेगी। ठीक है, चौथे नंबर पर, पाँचवें नंबर पर हसरंगा आ सकते हैं या तो दूसरे नंबर पर भी कराई जा सकती है, बट यहाँ पे अभी फिलहाल बैटिंग ऑर्डर है जो कि इनका डाउन हुआ है और अभी तक वहिंदू हसरंगा फिलहाल एक ही मैच में माइनस गए, यानी कि कोई भी विकेट और कोई रन ज़्यादा हाथ नहीं लगे थे। रिसेंटली भी 2 विकेट छिटकाई थी, 4 बार तो कराने कन्फर्म है। डिसंगा ने रिसेंटली 1 विकेट निकाल ली थी, 12 रन भी मारे थे, तो पिक करना चाहें तो रख सकते हैं डिसंगा को, बट यहाँ पे एक बैट्समैन को आपको माइनस करना पड़ेगा। पर मेरे हिसाब से तो भाई यहाँ पे माइनस करने वाले बैट्समैन तो कोई हो ही नहीं सकते। ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं लग रहा कि हम किसी को माइनस करें इस टीम में, तो हम यहाँ पे डिसंगा को नहीं पिक करेंगे और यहाँ कुछ अच्छे बॉलर्स को जो विकेट निकालने वाले हैं उनको पिक करने वाले। ठीक है, साना को तो आप रख सकते हैं, ठीक है, साना श्रीलंका से बढ़िया खेल रहे हैं, बढ़िया बॉलिंग करा रहे हैं और इनका जो कि रिसेंटली मैच ही ऐसा गया जिसमें इनको विकेट हाथ नहीं लगी है। ठीक है, इनको विकेट हाथ नहीं लगी है, तो फिलहाल और भी जितने 3 मैचेस खेले हैं सब में विकेट निकाली है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया 3, 4, 2 ऐसे विकेट करके, तो आप पिक करें ठीक है साना को, नौजे को या कभी किशोर अवाड़ा में 2 में आप एक को रख लीजिए, क्योंकि दोनों डेथ ओवर कराने वाले हैं, तो फिलहाल दोनों अपनी टीम से बेस्ट होने की कोशिश ज़रूर करते हैं। बट यहाँ पे किशोर अवाड़ा को अगर आप देखते हैं, कगिसो रबाड़ा और नोजे दोनों ने, ठीक है, दोनों वैसे ही फॉर्म में चल रहे हैं फिलहाल और दोनों अच्छी खासी बॉलिंग करा रहे हैं, अच्छे खासे विकेट भी निकाल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जहाँ तक बेस्ट रहेगा कि आप दोनों को पिक कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे के महाराज को अगर देखते हैं पिक करने के लिए, एल कुमारों को भी रख सकते हैं फिलहाल जहाँ तक लग रहा है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए, वहिंदू हसरंगा को हमने पिक किया, डिकासनों को पिक किया और यहाँ पे हमारे प्रेटियस भी हैं, तो हम यहाँ पे कगिसो रबाड़ा नोजे दोनों को पिक कर सकते हैं, तो इस टीम में हम दोनों को रखने वाले हैं। नहीं तो आप यहाँ पे जैसे कगिसो रबाड़ा को नहीं रखना चाहते तो फिलहाल आपको करना क्या होगा, आप यहाँ पे जो कि रख लीजिए एल कुमारा को, ये भी बंदा काफ़ी बढ़िया विकेट जो कि निकाल रहा है, बढ़िया फॉर्म में चल रहा है। एक चीज़ अगर बताना चाहते हो, एल कुमारा जो कि रिसेंटली भाई मैच में माइनस गया था, ठीक है, रिसेंटली मैच में ही माइनस चूँकि एल कुमारा गया, बट यहाँ पे बहुत कम लोग यहाँ पे पिक करने वाले हैं, देख सकते हो 43% लोग, अगर आप पिक करते तो आपका टीम का कंपटीशन जो कि लोगों से बहुत कम रहेगा, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जो कि एल कुमारा को अपने टीम में रखे हुए हैं, तो अगर आप रखते हैं तो विकेट निकालते हैं तो काफ़ी बढ़िया टीम रैंक, यानी कि आपकी टीम को कोई पीछा कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको टीम बनानी है, और मेरे हिसाब से भाई लग रहा है कगिसो रबाड़ा हो सकता है विकेट भी ना निकाले, तबियत शमसी के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, और बट यहाँ पे एल कुमारा टिकासाना एक बार फिर से विकेट निकालने वाले, रिसेंटली कोई विकेट हाथ नहीं लगी, और नॉर्जे 2+ विकेट निकालने की ध्यान रखें आप। ऑलराउंडर की अगर बात करें तो वहिंदू हसरंगा बैटिंग भी काफ़ी बढ़िया कर सकते हैं, विकेट भी निकाल सकते हैं, और वहीं प्रोटियस को हमने भले ही पिक किया है बट मुझे लग रहा था जो कि डी प्रोटियस हैं फिलहाल ये विकेट नहीं निकालने, प्रेडिक्शन की बात करें तो डी प्रोटियस मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पे नहीं निकालने वाले विकेट। ठीक है, और हम इन्हें माइनस भी कर सकते हैं अपनी टीम से, बट यार 102 टीम बनाएंगे तो पिक करने की कोशिश जरूर करेंगे, बट यहाँ पे प्रोटियस विकेट नहीं निकालने वाले। ठीक है, और यहाँ पे किस प्रकार से अगर बैट्समैन हम रखें तो अगर चेंजमेंट कुछ करना चाहो तो मेरे हिसाब से जो कि चेंजमेंट कर सकते हैं, अब एंडरसन को फिर माइनस कर सकते हैं क्योंकि रिसेंटली काफ़ी बढ़िया खेले, मुझे लग रहा है 20+, जहाँ तक अगर मार्करम की अगर भविष्यवाणी करें तो मार्करम जो कि एक हिसाब से भाई 40+ रन मारने वाला है, और अशंका जो कि फिलहाल मुझे लग रहा है जहाँ तक भाई फिलहाल 25, ठीक है, 25 या 26 जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भाई साउथ अफ्रीका की बॉलिंग काफ़ी मजबूत मिलेगी, तो फिलहाल यहाँ पे बैट्समैन श्रीलंका के कहीं ना कहीं रुकेंगे रन बनाने में, तो फिलहाल आप माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें आप जो कि श्रीलंका के बैट्समैन हमने यहाँ पे देखे थे कि ज़्यादा ले भी नहीं रखे, 3 ही बैट्समैन हमने रखे हुए हैं, बाकी यहाँ पे हमने 4 बैट्समैन फिलहाल विकेट कीपर, सॉरी यानी कि हाँ 4 बैट्समैन तो हमने रखे हुए हैं, 3 बैट्समैन यहाँ पे हमने, ठीक है, तो एक हिसाब से मैं बता दूं कि बैट्समैन अगर आप पिक करना चाहें तो साउथ अफ्रीका के रखें, और या तो श्रीलंका के जिसपे भरोसा हो तो उसी को रखें, क्योंकि भाई यहाँ पे साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग है काफ़ी मजबूत है, नॉर्जे, तबरेज़ शमसी, कगिसो रबाड़ा और फिलहाल यहाँ पे के महराज जो कि हम पिक करने वाले अपनी टीम में, यहाँ डी प्रेटियस, तो आप समझ सकते हैं कि साउथ अफ्रीका का जो कि फिलहाल काफ़ी बढ़िया फॉर्म में चल रही है साउथ अफ्रीका भी, और मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका ही मैच जीतेगी। अगर बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की किसको हम बना सकते हैं तो मार्कम को देख लीजिए, 29% लोगों ने बनाया है, बट मैंने बताया आपको कि कुछ खास करेंगे, 40+ रन मार सकते हैं, ये बंदा 40+ रन मारेगा तो बना सकते हैं। वहीं अगर बात करें वहिंदू हसरंगा की तो फिर एक बार हम वहिंदू हसरंगा को कैप्टन बनाएंगे, और जो कि वाइस कैप्टन हम यहाँ पर नोजे को बना सकते हैं। ठीक है, नोजे को हम वाइस कैप्टन ज़रूर बनेंगे अपनी टीम में, या तो नोजे को नहीं छोड़ के रविंडरसन को भी हम बना सकते हैं, या तो आप जो कि यहाँ पे बैटिंग अगर बात करें तो फिलहाल मेरे हिसाब से जहाँ तक बेस्ट रहेंगे राजपक्ष, ठीक है, राजपक्ष और मार्कम का आप कॉम्बिनेशन करा सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन का, तो ये ध्यान रखें इस प्रकार से आप बना सकते हैं, क्योंकि दोनों बैट्समैन काफ़ी बढ़िया हैं।
तो आप इनको बना सकते हैं। रविंद्र सिंह तो फिलहाल काफ़ी बढ़िया मारने वाले हैं, बट यहाँ पे श्रीलंका के बैट्समैन पे भरोसा ज़्यादा मत करना। बॉलर्स पे आप भरोसा दे सकते हैं, बट बैट्समैन पे ज़्यादा भरोसा मत देना। तो इस प्रकार से हमारी टीम ये बन जाएगी। और फिलहाल इसे फाइनल डिसीजन हम नहीं कह सकते, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फाइनल टीम फाइनल डिसीजन आपको वहीं पर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ अभी प्लेयर्स आपको प्लेइंग में शामिल नहीं होते भी दिखाई देंगे, तो इसलिए दिक्कत हो सकती है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, सारे अपडेट फ्री टीम, और वहाँ पे हम लाखों कमाते हैं। तो आप लोग भी ज्वाइन कर लें और आप लोग भी शामिल हो जाएँ, अच्छा खासा पैसा कमाएं। तो फिलहाल ज्वाइन करेंगे, भरोसा है जिस वीडियोस को देख रहे हैं उसके टेलीग्राम लिंक यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिलहाल ज्वाइन कर लेंगे और वीडियोस थोड़ी सी भी अच्छी कर ले तो लाइक कर दिया करें, जिससे कि मैं भी मोटिवेट होता हूँ और आप लोग के लिए ऐसे ही हर रोज़ तो वीडियोज़ आती ही है। तो फिलहाल और भी मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे खासे वीडियोज़ प्रोडिक्शन और भी अच्छे लेवल पाऊँ, जिससे कि काफ़ी बढ़िया जो कि हम बेनिफिट रहें। और फिलहाल कुछ नया करने वाला हूँ, जिससे कि आप लोग भी रोज़ का जो कि 15 से 2 हज़ार तो ज़रूर कमाएंगे। तो ये चीज़ बहुत जल्द करने वाला हूँ, जो कि आप चैनल पर बने रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।